हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं बनाने जा रही हूँ लिट्टी, जो कि बिल्कुल अलग तरीके से। तो आइए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले मैं एक मीडियम साइज का प्याज, दो हरी मिर्च, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, 2 चम्मच के करीब धनिया पत्ता ली हूँ। इसको मैं चॉपर में रख के बारीक चॉप कर ले रही हूँ। इसको बारीक कट कर सकते हैं, लेकिन मैं टाइम बचाने के लिए एक ही बार सारी चीज़ों को चॉपर में बारीक चॉप कर ली हूँ। अब मैं इसे एक बॉल में निकाल ले रही हूँ। अब मैं इसमें 1 चम्मच अजवाइन ऐड कर रही हूँ, साथ ही 1/2 चम्मच कलौजी, 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच अचार का मसाला यूज कर रही हूँ और साथ ही 1/2 कप भुने हुए चने का सत्तू। साथ ही मैं इसमें 1 चम्मच सरसों का तेल ऐड कर रही हूँ। अब मैं सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा 1 से 2 चम्मच पानी ऐड कर रही हूँ और हाथों से अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। इससे क्या होगा कि हमारा जो मिक्सचर है वो ड्राई नहीं रहेगा। खटापन के लिए मैं इसमें 1 चम्मच नींबू का रस ऐड कर रही हूँ और अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। अब मैं आटे का छोटा छोटा बॉल लेके और उसमें फिलिंग स्टफ करके लिट्टी बना ले रही हूँ। इसी तरीके से मैं सारी लिट्टी बना ली हूँ। फ्रेंड्स, इस लिट्टी को ना मैं आग पे पका रही हूँ, ना मैं बॉयल कर रही हूँ, ना मैं फ्राई कर रही हूँ। इसको मैं बिल्कुल अलग तरीके से बना रही हूँ। इसके लिए मैं एक मिट्टी का बर्तन ली हूँ, जो कि बाज़ार में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। मैं पॉट को तेल से ग्रीसिंग कर ले रही हूँ, जिससे कि हमारी लिट्टी पॉट में चिपकेगी नहीं। मिट्टी के बर्तन को मैं हाई टू मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट तक गर्म कर ले रही हूँ। अब हमारा बर्तन गर्म हो गया है। अब मैं एक एक करके उसमें लिट्टी रख रही हूँ और ढक के पका ले रही हूँ। तभी लिट्टी को पॉट में रखने के बाद आंच को मैं मीडियम कर दूंगी और ढक दूंगी। लिट्टी को उलट पुलट के पकाएंगे, बीच बीच में हम लिट्टी को उलट पुलट के पकाते रहेंगे। लिट्टी के सभी साइड को उलट पुलट के पकाएंगे, जिससे कि चारों तरफ लिट्टी बराबर पके। देखिए फ्रेंड्स, हमारा लिट्टी मिट्टी के बर्तन में चिपक नहीं रहा है और धीरे धीरे पकने लगा है। 10 से 12 मिनट लिट्टी को पकाने में लग जाएगा। फ्रेंड्स, इस तरीके से आप लिट्टी बनाएंगे तो बिना आग जलाए आपको मिट्टी का खुशबू और मिट्टी का सौंधापन आपकी लिट्टी में आएगा। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा लिट्टी फटने लगा है। इसका मतलब है कि लिट्टी बन गया है और अंदर तक अच्छे से पक गया है। सभी लिट्टी को इसी तरीके से पका लेंगे। अब इसे मैं गर्मा गर्म घी में अच्छे से डुबो दे रही हूँ और उसके बाद सर्व करूँगी। फ्रेंड्स, सर्दियों में इस तरीके से आप लिट्टी ज़रूर बनाइए। मिट्टी के बर्तन में आप एक बार लिट्टी बना के खाइए, आप बार बार इसी तरीके से लिट्टी बनाना पसंद करेंगे। यहाँ पे मैं लिट्टी को आलू बैंगन का चोखा, साथ ही चटनी और घी के साथ सर्व कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिए। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।